सो गुड मॉर्निंग जयपुर, और आज व्लॉग स्टार्ट हो रही है SV160 से। तो रिव्यू के बाद में अब इसी बात करते हैं हर गियर में कितना बनाती है और टॉप स्पीड का अपनी गाड़ी कितना बनाती है हर एक गियर में। तो दोस्त ही गाड़ी है, तो लेट्स सी। हाईवे पे अपन सेफ स्पेस, गलियों में ट्राई मत करना ये सब, ठीक है? तो लेट्स गो। तो इंजन स्टार्ट, ठीक है, चलो। ठंडा और वैसे काफ़ी बता देता हूँ वैसे, ठीक है। तो वहीं से नीचे अपन यहाँ पे रुकेंगे, देन इसको करेंगे अपन लॉन्च कि पहले गियर में कितना आएगी। तो लेट्स सी, देन फुल थ्रॉटल। फोर्टी वन सेकेंड गियर, 70, ओहो काफ़ी ज़्यादा है। थर्ड गियर 94, फोर्थ गियर 95, आ गया। लेट्स सी, अपना फोर्थ गियर रह रहा है तो काफी बम्पी सी रोड है। एक सौ चार, 105 के समथिंग कुछ आ रहा है अपना फिफ्थ गियर। इससे पांच गियर वैसे भी कॉर्नर ले रहे अपन, वो भी SP160 से। शिट। तो लेट्स सी, फुल थ्रॉटल और 113, 114 और मुझे लगता है ये अब ऊपर नहीं जाएगी। हाँ आई थिंक सो, अभी ऊपर नहीं जाएगी ज़्यादा। अरे यार कम जा रही है यार ये, क्योंकि हाईवे थोड़े चढ़ाई थी। अभी देखते हैं वापस से, लेट्स ट्राई अगेन। ढलान है यहाँ पे थोड़ी सी, ठीक है, अपन थोड़े टक हो गए हैं अच्छे से। अरे यार 115 से ऊपर नहीं जा रही है यार ये, मतलब RPM बचा है, 10,000 RPM पे जाती है आराम से ये, लेकिन जा नहीं रही है अभी फिलहाल। फिर से खींचेगा एक बार, फिर से ट्राई करते हैं, लेट्स गो। टॉप स्पीड का ट्राई कर रहा है वैसे भी ओपन। ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यार, कोई फ़ायदा ही नहीं है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और ये जा भी नहीं रही है। लेट्स सी, फिर से ट्राई करते हैं एक बार, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यार, जबकि सुबह के 8 ही बजे है। ओह नाइस, भाई मैं लिटरली बताऊँ ना तो पीछे वाली सीट पे बैठा हूँ मैं, अभी पूरा टक हो के अच्छे से। हाईवे स्टेबिलिटी ठीक है इसकी, लेकिन यार जा नहीं रही है यार ज़्यादा, पता नहीं क्यों नहीं जा रही है, क्या है पता नहीं यार। जाना तो चाहिए इसको आराम से, कुछ ज़्यादा जाती है इससे। लेट्स गो फिर से, फोर्थ गियर में। एक सौ आठ पे, 109,
बड़ी मुश्किल से 109 गई है। टक नहीं हो सकता मैं, ये फाइनल है। नहीं यार जा नहीं रही है भाई ज़्यादा। मैंने काफ़ी ट्राई किया यार, काफ़ी लंबा पैच देखा, लेकिन 115 से ऊपर नहीं जा रही है भाई। तो शायद इतनी जाती है या फिर से ज़्यादा जा सकती है, लेकिन जा नहीं रही है अभी विंड ट्रैक की वजह से, वेट की वजह से। लेकिन टॉप तो ठीक है, इसमें जाना चाहिए। वैसे सही बताऊँ तो ये कम्यूटर बाइक है, तो इसमें जो टॉप एंड है वो लगभग ख़त्म है यार, मतलब इतना मज़ा नहीं आता। लेकिन सही बताऊँ क्या ईमानदारी से भाई, वाइब्रेट नहीं हो रही थी ये 115 पे भी, इतना महसूस नहीं होता, वाइब्रेशन महसूस नहीं हो रही थी, सही चल रही थी एकदम चिक, और काफ़ी स्टेबल भी है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप इसको 115 पे चलाओ, हाँ 100 इज़ गुड, इसके लिए 100 ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा मत चलाना। थोड़ी सी क्या है, सस्पेंशन सॉफ्ट है, तो उस वजह से थोड़ा सा हो सकता है आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो बस यही है कि नहीं जा रही है यार ज़्यादा। लेट्स सी, फिर से फोर्थ गियर, एक सौ आठ तो मतलब चले जा रही है ये फोर्थ गियर में आराम से। हाईवे पे आपको दिक्कत तो नहीं आएगी वैसे, सही बताऊँ तो ये स्पीड काफ़ी है, 108 सफिशियंट है। लेट्स सी, एक और टर्न है, ट्राई करते हैं यहाँ पे भी। नहीं यार अब पता है क्या है, सही बताओ ना, तो बहुत ट्राई कर लिया, इच्छा भी नहीं हुई ट्राई करने की, जा ही नहीं रही है ये बिल्कुल भी। फिफ्थ गियर फुल थ्रॉटल है अभी अपन, ठीक है। लेट्स सी आगे कोहरा हो रहा है, ऐसे दिख रहा हो तो, ठीक है लेट्स गो। मेरे को इससे ज़्यादा उम्मीद थी यार, 115 से इससे ज़्यादा उम्मीद थी, और चढ़ाई पे देखो कम भी हो गई स्पीड बहुत ज़्यादा, और फुल टक हूँ जबकि पीछे वाली सीट पे बैठा हुआ, इससे ज़्यादा क्या ही कर सकता हूँ मैं, इसके लिए बम्प आया बहुत तगड़ा। एक सौ सोलह गई भाई, 116 गई, ट्रैफिक आ गया और बस ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे अपन बस, क्योंकि ये जा भी नहीं रही और इसका पता चल रहा है पावर ख़त्म हो गई है, बस घूम घूम इंजन बात कर रहा है, पावर नहीं है इसमें ज़्यादा, ठीक है। तो मैं शायद कट मिस कर दिया मैंने शायद, अब देखना पड़ेगा मैं कहाँ से कर जाऊँगा। तो वैसे सही बताऊँ तो काफ़ी डिसेंट बाइक है और हाईवे परफॉर्मेंस अच्छी है, मतलब आप ये सोचो कि 115 से ऊपर नहीं जा रही तो बोला हाईवे परफॉर्मेंस है, नहीं हाईवे परफॉर्मेंस ठीक है इसकी, क्या है कि ऑब्वियस 100 से ज़्यादा मत चलाना इंडियन रोड पे, क्योंकि वो थोड़ी सी स्केची हो सकती है, कई बार कुछ भी सीन सपाट हो सकता है। तो अच्छा ये होगा कि आप उसको 100 पे चलाओ, 100 के अंडर ही रखो, 80-100 वो ठीक रहेगा, उससे ऊपर मत जाना। तो भाई यही था कुछ, आपने इसके हर गियर में इसकी स्पीड देख ली होगी कि ये हर गियर में कितनी स्पीड बनाती है, ये ठीक स्पीड बना रही है। फोर्थ गियर तक, मतलब थर्ड गियर तक पावर महसूस होगी आपको, बढ़िया बढ़िया ठीक अच्छी, लेकिन थर्ड गियर के बाद में आ रही हो जाएगी एकदम लीन,
पटक। फोर्थ ईयर में 50% लीन और फिफ्थ ईयर में तो ख़त्म पावर, बिल्कुल आप मान लो जीरो हो गई है तो कुछ नहीं जाएगी फिर ये। फिर भी आप आराम से फिफ्थ गियर में लगा तो सकते हो इसको, 100 तो चली जाएगी, 100 पे क्रूज कर सकते हो आप इसे, लेकिन इंजन थोड़ा स्ट्रेच में रहेगा। ऑफ रोड पे भी आगे थोड़ा सा रिव्यू टाइप का है, मान लो अब इसको हाईवे मिक्स से टॉप स्पीड सब, थोड़ा सा बम्प से लेके चलते हैं इसको, बताते कैसा लग रहा है। सही बताऊँ क्या, आगे वाला तो यार बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। पीछे वाला हार्ड साइड वाले भाई लग रही है पीछे वाले से, सही बताऊँ तो वादे बता रहा हूँ, पीछे वाले से लग रही है, महसूस होगा आपको। ये देखो पुल, देखते हैं पुल ठीक है, टॉप एंड में जाके 8000 RPM के बाद में ये बिल्कुल चू खत्म, नो पावर नथिंग एट ऑल। ठीक है थर्ड गियर पुल, ट्रैफिक ही ट्रैफिक है यार, जो कि सुबह के 8 बज रहे हैं, बताओ हद हो गई। मतलब अजमेर वाले हाईवे पे जा नहीं सकते। ओहो इस पर थोड़ा आराम से चलाना, ये जो रोड होती है ना ये लेफ्ट राइट से तेज मत चलाना, आप गिर सकते हो, क्या है कि डिसबैलेंस हो जाता है बहुत ज़्यादा, जैसे अभी हो रही है बाइक बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस, तो अपन थोड़ा सा स्लो ही चल रहे हैं, रिलैक्स। तो टॉप स्पीड तो आपने जो करी, अभी एक चीज़ करता हूँ मैं, लो आरपीएम पे जाके इसको टॉक दिखाता हूँ आपको कितना सही है। ठीक है अपन आ जाएंगे अराउंड 2.5-3 के आसपास से भी, देन लेट्स गो। फुल थ्रॉटल है, फोर्थ ईयर से उठाया अपन ने, और ये बता देता हूँ मैं, यहाँ पे लिखा हुआ है गियर, देन फ्यूल है इसमें, रिजर्व बहुत ज़्यादा है, 3 लीटर का रिजर्व है इसका, पता नहीं क्या चक्कर है, सॉरी 2 लीटर का। ये देखो पिकअप, देखो बढ़िया पिकअप है, कर दे स्कॉर्पियो के पीछे, कर दिया। लेट्स सी, फिर से एक बार ट्राई कर लेते हैं, वैसे जाएगी तो है नहीं मुझे बताइए। ठीक है लेट्स गो, नहीं 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 नहीं, फिर से वही रोड आ गई। ओहो शिट 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 शिट, ओ लेट्स गो, एक गियर डाउन, रोड ख़राब चल रही है बहुत ज़्यादा, अब पुल करने को मतलब नहीं है। तो होपफुली मेरे को लगता है कि ये वीडियो सफिशिएंट है, टॉप स्पीड 115-116 से ऊपर नहीं जा रही वैसे, इन केस रोड थोड़ी सी वैसी है, ढलान वलान थोड़ा, ढलान पे भी ट्राई करें, लेकिन उस पर 116 गई थी, उससे ऊपर तो जा नहीं रही है। तो आपने इसका पूरा परफॉर्मेंस देख लिया होगा, वैसे सही बताओ ना तो लो गियर से भी ठीक उठती है ये गाड़ी। तो इस वीडियो के लिए यही रखते हैं, होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना, मीट इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।